हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी का मेरे टेक्निकल के चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आपने अपने स्नैपचैट पर किन किन लोगों को ब्लॉक करके रखा है, कैसे आप पता कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आप बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपने अपने स्नैपचैट पर किन किन लोगों को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में अपने स्नैपचैट को ओपन कर लेना। तो चलिए मैं अपने स्नैपचैट को ओपन यहाँ पर कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं, स्नैपचैट को ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में अपनी प्रोफाइल देखने को मिल रही है, उस पर करना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सबसे ऊपर राइट साइड में एक सेटिंग का आइकन देखने को मिल रहा है, आपको सेटिंग के आइकन पर कर लेना है क्लिक। तो चलिए मैं सेटिंग के आइकन पर यहाँ पर कर लेता हूँ क्लिक। जैसे सेटिंग के आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। आपको नीचे आते चला जाना है और आपको यहाँ पर सबसे नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्लॉक्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक का ऑप्शन देखने को मिला है, आपको ब्लॉक के ऑप्शन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने अपने स्नैपचैट पर जिन जिन लोगों को ब्लॉक करके रखा होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। मैंने अपने स्नैपचैट पर किसी को भी ब्लॉक करके रखा नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है फ्रेंड्स।